नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। तो बेसिकली एस्ट्रल लिमिटेड आप सभी जानते हैं, इंडिया के एक पॉपुलर देखा जाए तो प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है। तो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में एक थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है पिछले दिनों में। जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, मतलब सरकार ने जो बजट पेश किया, तो उनमें से कहा गया कि जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है उस प्लास्टिक प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाया जाएगा। मतलब वहाँ पे प्लास्टिक का जो प्राइस है उसको हाइक किया जाएगा और उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगेगा। तो देखिए, कोई भी प्रोडक्ट के अगर प्राइस और उसके ऊपर अगर टैक्स ज़्यादा लगे तो प्रोडक्ट का प्राइस ऑलमोस्ट बढ़ जाएगा। तो जिसके कारण ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट के जो डिमांड है वो थोड़ा सा मार्केट में कम हो सकते हैं। क्योंकि मान के चलिए अभी एक प्रोडक्ट का कीमत था 100 रुपीस, तो 100 रुपीस में मान के चलिए जो लोग खरीदारी कर रहे थे, अभी उसको बोला गया कि 120 रुपीस लगेगा। तो जो लोग सोच रहे थे कि मैं चलो आज ही बाई कर लूँ, तो वो लोग सोचेंगे चलो मैं सोच कर बाई करता हूँ। तो मतलब क्या है, मतलब है प्राइस हाइक होने में बहुत सारे लोगों का प्लान कैंसिलेशन हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट मान के चलिए आज कोई भी खाने पीने का चीज़ अगर खरीदने के लिए जाते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट का कीमत 50 रुपीस है, कल ही बाजार जाकर देख लिया कि वो 50 नहीं, अभी वो 70 रुपीस हो चुके हैं। तो आप जो सोच कर गए थे कि चलो मैं 5 किलो ले लूँगा, तो आप 5 किलो वहाँ पे नहीं लेंगे, वो आप 2 से 3 किलो ही लेंगे, क्योंकि उसका प्राइस हाई हो चुके हैं। तो प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कम हो सकते हैं, और इसलिए एस्ट्रल के ऊपर पिछले दिनों में थोड़ा सा करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला। तो अभी क्वेश्चन ये है, क्या इस बजट के बाद, इस तरीके से न्यूज़ के बाद, क्या कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिल सकता है? ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर फॉल होता, मतलब होना ही था, तो बजट के दिन ही फॉल हो जाते। तो एस्ट्रल के ऊपर जो अभी सिचुएशन जो है वो है इसका पी रेशियो। कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था 134 के आसपास, और आज पी रेशियो कितना है? आज पी रेशियो है 100 के आसपास, 110 के आसपास, और कंपनी के एवरेज पी रेशियो निकल कर है 90 के आसपास। कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है? 37 के आसपास। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा से ज़्यादा हाई है, और इसी हाई वैल्यूएशन के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे आप चार्ट को देखेंगे तो कंपनी के ऊपर ये जो करेक्शन हो रहा है, बार बार वो करेक्शन हो रहा है, वो यही कारण के वजह से। अगर वैल्यूएशन सस्ता होता तो कंपनी डायरेक्टली हायर हाई करते करते टारगेट को अचीव करता। तो बार बार वो जो रिटेस्ट कर रहा है, इसके पीछे यही रीजन है कि कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है। और देखने वाला बात यही है कि कंपनी इसके ऊपर जो पैटर्न स्केट हुआ वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। पहले कब बने, उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार चार बार यहाँ पे क्या बने, यहाँ पे हैंडल बने। तो कब के बाद हैंडल बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद ही टारगेट को अचीव करेंगे। तो देखिए, मैं पहले ही इस स्टेट को कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इतने बार जो बार बार यहाँ पे जो हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, इसका एक इम्पैक्ट जरूर आएगा, क्योंकि बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, नीचे आ ही नहीं पाया, तो यहाँ पे यहाँ से कंपनी का बाउंस बैक करने का चांसेस था। अभी वैल्यूएशन ज़्यादा है जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक वोलेटिलिटी देखने को मिला है। ईजिली आसान तरीके से वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। टाइम लगे कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर 33% के आसपास टारगेट है। अगर मुझे 33% का टारगेट एक साल में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। अगर पहले जिस तरीके से सिचुएशन बनता था कि जो कैपिटल गेन टैक्स है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, मतलब एक साल के बाद अगर कोई भी शेयर को बेचते हैं तो वहाँ पे आपको मतलब कम टैक्सेस लिया जाता था। अभी वो टैक्सेस को बढ़ा दिया, कितना, 12.5%, 12.5% टैक्स बढ़ा दिया, जो पहले 10% के आसपास हुआ करता था। तो टैक्सेस बढ़ना इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट है, क्योंकि जो लोग इतने दिनों से मेहनत कर कर इन्वेस्ट करके रखे थे, तो उसको तो ऑब्वियसली अच्छा खासा टैक्सेस देना पड़ेगा, अच्छा खासा चार्जेस देना पड़ेगा, जिसके लिए कंपनी के ऊपर प्रॉफिट करने के बाद भी एक एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। मान के चलिए आपने यहाँ पे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके रखे थे, उसके अगेंस्ट में 33%, मतलब 30% का आपको ओवरऑल पैसा मिलेगा, तो उसके ऊपर अगर 12.5%, मतलब 400 रुपीज़ करके आपको टैक्सेस देना पड़े, तो वो तो थोड़ा सा फर्क तो होगा ही। उसके साथ साथ अगर अगर आपका एक साल के अंदर अंदर प्रॉफिट हो जाए तो मतलब सारे गेम ओवर।
क्योंकि गवर्नमेंट का पहले 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, अभी वो बढ़ाकर कर दिए 12%, सॉरी 20%, वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। तो सोचिए, आप सोच रहे कि मुझे 3,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 3,000 रुपया में अगर आपको 20% टैक्सेस देना पड़े तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 600 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपके जेब में कितना आएगा? 2,400 रुपीज़। तो इतना मेहनत करने के बाद भी सरकार ही सारे पैसा लेके चले जा रहे हैं। उसके बाद तो ब्रोकरेज है, उसके बाद तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है, मतलब कुल मिलाकर आपके जेब से और भी 100-200 रुपीज़ तो चले ही जाएंगे। तो सोचना कितना पैसा आपके जेब में से चला जाएगा। तो अल्टीमेटली आपने 3,000 प्रॉफिट किया और आपके जेब में शायद 2,100 रुपीज़ ही आएगा। तो 1,800 रुपीज़ करके आपको पूरा का पूरा टैक्सेस, ब्रोकरेज, सब कुछ देना पड़ेगा। तो क्या हम लोग काम करना बंद कर दें? ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि टैक्सेस गवर्नमेंट तो लेते रहेंगे। तो हम लोगों को रिसर्च करके, डीपली रिसर्च करके अच्छा खासा कंपनी के ऊपर काम करना है, जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिले, जहाँ पे अच्छा खासा गेन भी मिले। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ। अभी आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। तो बेसिकली IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा सस्ते में हुआ और ROC ROE ठीक ठाक है, इनकम जबरदस्त है। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के बैलेंस शीट में अच्छा खासा यहाँ पे बोरिंग्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, जो पिछले बार 1,60,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, इस बार वो 2 लाख करोड़ क्रॉस ओवर किया। कंपनी का रिजर्व भी 11,000 से 19,000 करोड़ तक कंपनी का रिजर्व देखने को मिला। और कंपनी का टोटल फिक्स्ड एसेट जो है वो 933 से लेकर 2,000 तक कंपनी का फिक्स्ड एसेट देखने को मिला। तो मुझे लगता है शानदार तरीके से यहाँ पे फिक्स्ड एसेट भी देखने को मिले, शानदार तरीके से यहाँ पे सारे चीज़ों को देखने को मिला, जो कंपनीज के ग्रोथ कराने के लिए काफ़ी है। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक के हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, चाहे वो FS हो, चाहे वो DS हो, चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो पब्लिक हो, हर सारे व्यक्ति के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स दिखेगा। तो इसलिए मैं IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश फील करता हूँ और इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा क्वांटिटी एडिंग किया है। आप खुद ही देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड ने लास्ट 2 मंथ्स में, मार्च और जून मंथ में, अच्छा खासा क्वांटिटी को बाय किया है। जब अच्छा खासा क्वांटिटी बाय किया जा रहा है तो उस कंपनी के ऊपर डरना तो नहीं चाहिए। फिर भी आपको क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद यहाँ पे देखिए काफ़ी धन पैटर्न बनने के बाद पहले क्या बना, पहले एक बिग कंपनी, उसके बाद एक हैंडल भी बने, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी ऊपर तो गया था, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे भी आए। अभी 200 डेज मूविंग एवरेज इस कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन चुके हैं। देखिए यहाँ पे भी टेस्ट किया, यहाँ पे भी टेस्ट, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, चार चार बार 200 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, उसके बाद नीचे आ गया। मतलब एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, जो प्रेशराइज कंपनी को मतलब डाउन साइड में ले आने के लिए काफ़ी है। बाकी आपको जरूर कहूँगा यहाँ से कंपनी के ऊपर पॉजिटिव जर्नी यहाँ पे होने वाला है, जो जर्नी कंपनी के ऊपर इस लेवल तक आने के लिए टाइम लग सकते हैं। 120 रुपीज़ तक मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, वो टारगेट कब होगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर इसको मैं जरूर कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है। कंपनी अराउंड 32 बिलियन रुपीज़ का टोटल फंड रेज करने वाला है। तो यहाँ पे फंड रेज होगा मतलब कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा काम होगा, और भी ज़्यादा कंपनी लोन देंगे और उसके हिसाब से कंपनी को इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो कंपनीज के ऊपर मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है CESC लिमिटेड। बेसिकली CESC लिमिटेड एक ऐसा कंपनी है जिसके ऊपर हर दिशा में, हर टाइम में आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि CESC के ऊपर अगर मार्केट कैप के हिसाब से बात करो, करीबन 21,800 करोड़ का मार्केट कैप है और इस कंपनी का PE रेशियो करीबन 15 के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो इंडस्ट्रीज PE रेशियो है वो 39 के आसपास है, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन अभी बहुत सस्ते में है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर कंपनी के ऊपर अभी क्या सिचुएशन है? देखिए कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से सिचुएशन देखने को मिला, उससे पहले कंपनी का रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। कंपनी का इस बार सेल्स भी पॉजिटिव है पिछले सालों की तुलना से, मगर क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाए, मगर प्रॉफिट को यहाँ पे शानदार तरीके से ग्रोथ कर पाए। जो पिछले साल मतलब साल को तो बीट नहीं कर पाया, मगर पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट कर पाया है। तो कंपनी के ऊपर हमेशा एक प्रॉफिट का ट्रेंडिंग चेंजेस होता रहता है, कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा वीकनेस, यहाँ पे सारे चीज़ देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी के ऊपर जर्नी होने के लिए काफ़ी एग्रेसिव बन सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट है उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनीज के ऊपर यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, वो रेंज के हिसाब से बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर कंटिन्यूसली एक बाइंग रेंज बने 4 कैंडल के माध्यम से। और पिछले दिनों में ही
जब बजट आया था, बजट के दिन में ही कंपनी के ऊपर वो लेवल को रिटेस्ट कर चुके हैं। नीचे आने के बाद जो लेवल रिटेस्ट करना चाहिए था उसको रिटेस्ट कर चुके हैं। अभी इस हायर लेवल तक अगर गए तो 22% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बेसिकली मैं इस तरीके से ट्रेड को बहुत बार ले चुका हूँ, तो मैं फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि हर किसी के ओपिनियन अलग अलग है। मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ, और आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस तरीके से जो मैं ट्रेड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको आप ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिस्क कैपेसिटी अलग है। यहाँ पे मैं खुद के रिस्क के हिसाब से काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है कि टारगेट होगा करके। क्योंकि आपको अगर काम करना है तो सारी चीज़ों को समझ कर काम करना पड़ेगा, और आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ एक बार बातचीत करके ही जरूर काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है EIH एसोसिएटेड लिमिटेड। तो EIH एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी जल्द जल्द से जल्द 1:1 रेशियो के यहाँ पे बोनस इशू करने जा रहा है। तो एक के बदले कंपनी एक शेयर बोनस देने वाले हैं, और वो भी इसका डेट अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो जब बोनस आएगा, फाइनली डेट आएगा, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।